हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन सेटलमेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही एक मिलता जुलता चैप्टर हमने दूसरे वाले बुक से भी कवर किया है चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है। तो ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज अ प्लेस इनहैबिटेड मोर और लेस परमानेंटली। ह्यूमन सेटलमेंट ऐसे प्लेस को बोलते हैं जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बींग्स लिव, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ हाउसेज जहाँ पे लोग रहते हैं उसको ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन हमने दूसरे वाले बुक में देखा था, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं। तो ये जो विलेज है, टाउन है या फिर सिटी है, ये सभी क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए ह्यूमन सेटलमेंट के, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं। चलिए समझ लिया हमने ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना होगा, इस बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है हमने चैप्टर नंबर 1 में समझ रखा है, ठीक है। हमने समझा था कि ह्यूमंस और अर्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के स्टडी को हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स का ह्यूमन ज्योग्राफी से क्या लेना देना है, क्यों हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते वक्त ह्यूमन सेटलमेंट को पढ़ते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए, हम लोग किसी भी रीजन में, किसी भी प्लेस में, किसी एक सेटलमेंट का फॉर्म को देख के ये बता सकते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप कैसा है इन्वायरमेंट के साथ। समझ रहे हैं, एक बार इसको अगर फ्लो में पढ़े कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज़ बेसिक टू ह्यूमन ज्योग्राफी बिकॉज, मतलब बोला जा रहा है कि ह्यूमन सेटलमेंट ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना जरूरी है क्योंकि द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट इन एनी पर्टिकुलर रीजन, किसी भी रीजन में वहाँ के सेटलमेंट का फॉर्म, शेप, पैटर्न, ये सब देख के क्या पता चल सकता है, रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रिलेशनशिप विद द एन्वायरमेंट। ये पता चल सकता है कि वहाँ के जो ह्यूमंस है उसका इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स पढ़ना जरूरी है जब हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं। तो समझे इतना। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत फेमस है कि डिफाइन ह्यूमन सेटलमेंट, बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि आपसे पूछेंगे कि हाउ वुड यू जस्टिफाई द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ये जो ग्रीन सेट लाइन किया हुआ है वो लिखना पड़ेगा, समझे। मेन आंसर यहाँ से है कि बिकॉज सेटलमेंट का फॉर्म रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन का रिलेशनशिप कैसा है इन्वायरमेंट के साथ, समझे इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स, रूरल अर्बन डिकोटॉमी। डिकोटॉमी मतलब डिवीजन या फिर डिफरेंस। तो सेटलमेंट्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है रूरल सेटलमेंट्स और एक होता है अर्बन सेटलमेंट। लेकिन कोई कंसेंसस नहीं है, कंसेंसस मतलब एग्रीमेंट नहीं है कि एग्जैक्टली क्या किसको विलेज बोलते हैं और एग्जैक्टली किसको टाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पॉपुलेशन साइज का क्राइटेरिया यूज़ करें तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो होता है कि इतना पॉपुलेशन होगा तो ये विलेज कहलाएगा और इतना पॉपुलेशन होगा तो टाउन कहलाएगा। लेकिन ये यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि कई सारे विलेजेस इंडिया और चाइना में ऐसे हैं जिनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ टाउन से। मतलब हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, हम लोग नॉर्मली ऐसे सोच के चलते हैं कि टाउन्स का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, विलेज का पॉपुलेशन कम होगा। लेकिन इंडिया और चाइना में ऐसे विलेज है ना जहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि यूरोप और वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के टाउन से भी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पॉपुलेशन साइज एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाता है कि क्या टाउन होगा और क्या विलेज होगा, इतना समझे। ऐसे ही अगर हम चाहें कि हम फंक्शन के बेसिस पे बोले कि कौन सा रूरल एरिया है और कौन सा अर्बन सेटलमेंट है, तो इसमें भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। रूरल अर्बन या फिर विलेज टाउन एक ही चीज़ यहाँ पे मान के चलिएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कैसा है देखिए, फंक्शन के बेसिस पे कैसे कोई क्लैरिटी नहीं है। अब पेट्रोल पंप्स ये एक लोअर ऑर्डर फंक्शन माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में, मतलब ये एक विलेज का फंक्शन माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन वही पेट्रोल पंप इंडिया में एक अर्बन फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इस पर भी कोई कंसेंसस नहीं है कि फंक्शन के बेसिस पे भी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली क्या विलेज है और क्या टाउन है। फैसिलिटीज अवेलेबल इन द विलेजेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज मे बी कंसिडर्ड रेयर इन विलेजेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो वही बोला गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज के विलेजेस है वहाँ पे जो फैसिलिटी है वही फैसिलिटी रेयर हो सकता है डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्री के विलेजेस में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपको क्या करेंगे कि ये लाइन दे देंगे, आपसे बोलेंगे कि देयर इज नो कंसेंसस ऑन व्हाट एग्जैक्टली डिफाइंस अ विलेज और अ टाउन, एनालाइज द स्टेटमेंट बाय यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। इस स्टेटमेंट को बोलेंगे एक्सप्लेन करो। तो आपको पॉपुलेशन साइज का एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना है कि इंडिया और चाइना में ऐसे विलेजेस है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के टाउन से, ठीक है। और दूसरा आपको ये देके एक्सप्लेन करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी हम लोग एग्जैक्टली नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि क्या अर्बन सेटलमेंट है और क्या रूरल सेटलमेंट है। एग्जाम्पल देना होगा आपको पेट्रोल पम्प्स का कि यूनाइटेड स्टेट्स के पेट्रोल
यूनाइटेड स्टेट्स में पेट्रोल पंप एक लोअर ऑर्डर फंक्शन माना जाता है, लेकिन इंडिया में ये एक अर्बन फंक्शन माना जाता है। ठीक है, चलिए तो ले देखे एक सिंपल सा हम लोग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी डिफाइन कर दो। ठीक है, हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाउन्स एंड विलेजेस इज डैट टाउन में मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल क्या होता है, वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इंगेज होते हैं, लेकिन विलेजेस में पीपल का मेन इंगेजमेंट होता है इन द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, लंबरिंग, लंबरिंग मतलब पेड़ों को काटना, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एट्सेट्रा, ये सब प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है मेनली विलेजेस में, और सेकेंडरी टर्सरी होता है टाउन्स में। ठीक है, तो इस बेसिस पे मेनली हम लोग क्लासिफाई करके चलते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पे हमारा सब अर्बनाइजेशन। सब अर्बनाइजेशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें पीपल मूव अवे करते हैं फ्रॉम द कंजेस्टेड अर्बन एरिया टू क्लीनर एरियाज आउटसाइड द सिटी इन सर्च ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग। ये मान लीजिए कोई कंजेस्टेड अर्बन एरिया है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन भी है, तो लोग यहाँ से मूव करके आउटसाइड द सिटी मूव करते हैं। ठीक है, आउटसाइड द सिटी में क्या है, लेस कंजेशन है और यहाँ पे बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग है और पॉल्यूशन फ्री है यहाँ पे। ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब अर्बनाइजेशन, समझे। और इंपॉर्टेंट सबर्ब्स डेवलप अराउंड द मेजर सिटीज़, कई सारे बड़े बड़े सिटीज़ है उसके आसपास कई सारे सबर्ब्स जिसको बोलते हैं वो एरिया यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं, समझे। और हर रोज़ हम देखते हैं कि हज़ारों लोग इस सबर्ब से निकल के सिटी में जाते हैं काम करने के लिए। ये सिटी है और इसका आसपास का रीजन सबर्ब्स है, तो लोग यहाँ से निकल के सिटी में जाते हैं काम करने के लिए, रहने के लिए इस जगह का यूज़ करते हैं लेकिन काम करने के लिए इस जगह का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन सब अर्बनाइजेशन, ऐसे पूछ लेंगे या फिर आपसे पूछेंगे कि गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब अर्बनाइजेशन, तो एक डेफिनेशन लिख दीजिएगा और दूसरा ये लिख दीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट सबर्ब्स डेवलप अराउंड मेजर सिटीज़। और ये भी बात आप लिख सकते हैं कि हर रोज थाउजेंड्स ऑफ पीपल सबर्ब से सिटी की तरफ मूव करते हैं काम के लिए। ठीक है, चलिए तो ये हमने ख़त्म किया रूरल अर्बन डिकोटोमी। आगे यहाँ पे सेंसस डेफिनेशन दिया गया है ऑफ अर्बन सेटलमेंट। इंडिया में जब सेंसस हुआ था 1991 में तो उसमें अर्बन सेटलमेंट को डिफाइन किया गया था। तो देखिए इसमें चार क्राइटेरिया बताया गया है जिससे हम लोग अर्बन सेटलमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। वो चारों क्राइटेरिया क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, उस प्लेस में म्यूनसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी होना चाहिए। इसके अलावा उस प्लेस का मिनिमम पॉपुलेशन 5000 पर्सन होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है, उसमें एटलीस्ट 75% मतलब कम से कम 75% जो वर्कर है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज होने चाहिए। और लास्ट और चौथा क्राइटेरिया है कि वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। अगर कोई प्लेस ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो वो प्लेस अर्बन सेटलमेंट कहलाएगा इंडिया में, समझे। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप सेटलमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला है कॉम्पैक्ट या फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स और दूसरा है डिस्पर्स सेटलमेंट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्लासिफिकेशन है। तो कॉम्पैक्ट या फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट किसको बोलते हैं, तो ये ऐसे सेटलमेंट होते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज होते हैं और सब काफ़ी करीब होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं। और यहाँ पे इस टाइप के सेटलमेंट ज़्यादातर रिवर वैलीज और फर्टाइल प्लेन्स में डेवलप होते हैं, ठीक है, ताकि लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाए और वाटर का अवेलेबिलिटी इजीली हो। यहाँ इसके अलावा यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ होते हैं वो क्लोजली नीट मतलब लोग काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड होते हैं और शेयर कॉमन ऑक्यूपेशंस। कई सारे ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जो कई सारे लोग मिलके करते हैं, मतलब कई सारे लोगों का ऑक्यूपेशन सेम होता है यहाँ पे। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं कॉम्पैक्ट या फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स का। दूसरा है डिस्पर्स सेटलमेंट, ये ठीक उसका ऑपोजिट है। यहाँ पे हाउसेज आर स्पेस्ड फार अपार्ट, हाउसेज के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है और इंटर स्प्रेड विथ फील्ड्स, हाउसेज के बीच में कई सारे आपको मैदान देखने को मिलेंगे, आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि अ कल्चरल फीचर जैसे कि अ प्लेस ऑफ वर्शिप या फिर मार्केट बाइंड्स द सेटलमेंट टुगेदर। मतलब इसमें होता क्या है कि ये घर है, घर का बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो होता क्या है कि बीच में एक कल्चरल फीचर होगा, जैसे कि कोई मंदिर हो यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप हो या फिर कोई मार्केट लगता होगा और यहाँ के लोग ये सब लोग यहाँ पे आते होंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो कल्चरल फीचर है ना, प्लेस ऑफ वर्शिप या फिर मार्केट, ये क्या कर रहा है, पूरे सेटलमेंट को बाइंड करके एक सेटलमेंट बना रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कल्चरल फीचर जैसे कि प्लेस ऑफ वर्शिप कोई मंदिर या फिर मस्जिद या फिर कोई मार्केट हो, ये सब चीज़ क्या करते हैं, इस पूरे सेटलमेंट को बाइंड करके रखे हुए होते हैं, समझे। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स और डिस्पर्स सेटलमेंट, ये दोनों सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे स्पेसिंग बिटवीन हाउसेज इज़ लेस, और उसमें लिखेंगे स्पेसिंग बिटवीन हाउसेज इज़ मोर,
ठीक है, एज कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। फिर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का दूसरा पॉइंट होगा कि यहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स और रिवर वैलीज आर आइडियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स, समझ में आ गया। और उसमें लिखेंगे फॉरेस्टेड एरियाज एंड एरियाज हैविंग एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वैसे एरियाज में इस टाइप के सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। तीसरा डिफरेंस होगा कि कॉम्पैक्ट एंड कंजेस्टेड हाउसेज विथ अ नैरो स्ट्रीट पैटर्न आर सम फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स। यहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड हाउस होते हैं और नैरो स्ट्रीट, पतली पतले रोड होते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि हाउसेज आर सीन एज आइसोलेटेड हर्ट्स इन रिमोट जंगल एंड हिल्स विथ लार्ज फार्म्स एंड पास्चर्स। तो यहाँ पर हाउसेज जो है वो एक एक करके अलग अलग सिचुएटेड होते हैं और रिमोट जंगल्स और हिल्स में, और बीचेस में क्या होते हैं, फार्म्स होते हैं, पास्चर्स होते हैं। चौथा डिफरेंस हो जाएगा कि यूजुअली पीपल प्रैक्टिस कल्टीवेशन, यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर ज़्यादा करते हैं, और उसमें यूजुअली पीपल रियर देयर एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल रियरिंग ज़्यादा होता है। पांचवा डिफरेंस हो जाएगा कि द पॉपुलेशन इज मोर एंड इट क्रिएट्स हाई प्रेशर ऑन अवेलेबल कल्टिवेबल लैंड। चूंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो लैंड पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है, और वहाँ पे इसका उल्टा, पॉपुलेशन कम तो लैंड पे प्रेशर भी कम। ठीक है, तो ये पांच पॉइंट का डिफरेंस तैयार करना है। एग्जाम में आपसे डिफरेंस पूछे कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स में तो ये लिखना है। फीचर पूछेंगे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का, तो इसी में से आप फीचर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ ये भी आप लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन सकता है कि क्लासिफाई सेटलमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप इनटू टू कैटेगरीज, समझ गए, ऑन द बेसिस ऑफ शेप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये दोनों आपको लिखना होगा। फिर आपसे यहीं पे ऐड कर देंगे कि मेंशन एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच, दोनों का तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दीजिए, तो आप लिख पाएंगे आराम से। चलिए, तो ये हमने ख़त्म किया। तो देखिए, अभी हमने देखा कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ शेप बात करें तो दो टाइप के सेटलमेंट होते हैं, लेकिन अगर पूरे सेटलमेंट को अगर दो कैटेगरी में डिवाइड करना हो तो हम लोग ब्रॉडली सेटलमेंट को रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हमें इस दोनों को ही काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। पहला है रूरल सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट क्या होता है? ये ऐसे सेटलमेंट होता है जो लैंड से रिलेटेड हो, यहाँ पे जो लोग हैं वो मेनली प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं, और यहाँ पर सेटलमेंट साइज़ है वो छोटा होता है। ठीक है, ये सब कुछ इसके फीचर्स हो गए, तो इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से लिखते हैं। देखिए, ये लिखेंगे रूरल सेटलमेंट्स में, रूरल सेटलमेंट इज अ सेटलमेंट डैट हैज़ अ लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी एंड साइज एंड द इनहैबिटेंट्स आर इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया है, एक तो हमने पॉपुलेशन का बात कर दिया और प्लस एक्टिविटी का बात कर दिया। ठीक है, इस दो बेसिस पे हमने रूरल सेटलमेंट को डिफाइन कर दिया। चलिए साथ साथ अर्बन सेटलमेंट को भी कवर कर लेते हैं। तो देखिए, अर्बन सेटलमेंट इज एन एरिया विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड लार्ज साइज एंड द इनहैबिटेंट्स आर इंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट में पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, और अर्बन सेटलमेंट में ज़्यादातर लोग सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी में इंगेज होते हैं। ईजी। दूसरा पॉइंट आएगा रूरल सेटलमेंट का कि यहाँ पे पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों ही लो होता है, और अर्बन सेटलमेंट में दोनों ही क्या होता है, हाई होता है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि यहाँ पे दे डिपेंड ऑन अर्बन एरिया फॉर ऑब्टेनिंग मैनुफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स वेयर एज दे आर प्रोवाइडर्स फॉर ऑल प्राइमरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये लोग प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं और बदले में क्या रिसीव करते हैं, मैनुफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स रिसीव करते हैं फ्रॉम द अर्बन सेटलमेंट। और अर्बन सेटलमेंट में लिखेंगे कि दे डिपेंड ऑन रूरल एरिया फॉर रॉ मटेरियल्स एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स, और ये लोग सप्लाई क्या करेंगे, मैनुफैक्चर्ड एंड कंज्यूमर गुड्स सप्लाई करेंगे टू द रूरल सेटलमेंट्स, समझ में आ गया। और चौथा डिफरेंस ये लिखेंगे कि दे लैक इन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें लिखेंगे दे हैव एडवांस्ड सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और पांचवा डिफरेंस होगा कि यहाँ पे लेस पॉल्यूशन होता है और ट्रैफिक प्रॉब्लम भी लेस होता है, और अर्बन सेटलमेंट में मोर पॉपुलेशन और मोर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। फिर छठा में लिखेंगे कि रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड हैव क्लोज सोशल रिलेशंस अमंग देम। ठीक है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे मूव नहीं करते हैं, तो और यहाँ पे इसलिए सोशल बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पे वे ऑफ लाइफ कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी फॉर्मल सोशल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ठीक है, लोग काम से भी बात करेंगे कि नहीं काम नहीं है तो बात नहीं करेंगे। ठीक है, अर्बन सेटलमेंट में, तो ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी कवर किया था। ठीक है, जिसमें हम लोग अर्बन सेटलमेंट पढ़े थे दूसरे वाले बुक में, तो खैर यहाँ पे भी एक बार फिर से रिवाइज हो गया आपका, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लासिफाई ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू कैटेगरीज, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ शेप नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट में क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि क्लासीफाई ह्यूमन सेटलमेंट्स इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो अब आपको कॉम्पैक्ट या फिर न्यूक्लियेटेड सेटलमेंट्स और डिस्पर्स सेटलमेंट के बारे में लिखना होगा, समझे। चलिए, अगला यहाँ पे टॉपिक है कि सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर।
रूरल सेटलमेंट्स कहाँ पे लोकेटेड होंगे इसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो देखते हैं वो क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है वाटर सप्लाई। तो यूजुअली रूरल सेटलमेंट्स वहीं पे लोकेटेड होते हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छा खासा हो, जहाँ पे रिवर्स हो, लेक्स हो और स्प्रिंग्स हो। कभी कभी तो लोग वाटर के लिए कई सारे डिसएडवांटेज साइट्स पे भी जाके सेटल हो जाते हैं, जैसे कि आइलैंड सराउंडेड बाई स्वैम्प्स और लो लाइंग रिवर बैंक्स, ठीक है, दलदल वाले इलाके में या फिर नदी किनारे भी जाके बस जाते हैं ताकि उन्हें क्या मिल पाए, पानी मिल पाए। तो ऐसे सेटलमेंट जो पानी के लिए किसी भी प्लेस में लोकेटेड होते हैं उन सब सेटलमेंट को हम लोग बोलते हैं वेट पॉइंट सेटलमेंट्स, ठीक है। वेट पॉइंट सेटलमेंट में मेन फीचर क्या होता है, इनको पानी चाहिए। इसी के ऑपोजिट होता है एक ड्राई पॉइंट सेटलमेंट। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट में लोग फ्लड से बचने के लिए किसी अपलैंड में जाके सेटल होते हैं, ठीक है। चलिए अब एडवांटेज क्या है वेट पॉइंट सेटलमेंट में सेटल होने से, देखिए तो यहाँ पे वाटर मिल जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। इसके अलावा लैंड को इरिगेट कर पाएंगे काफ़ी इजीली और यहाँ पे फिशिंग भी किया जा सकता है। प्लस नेविगेबल वाटर, नेविगेबल रिवर एंड लेक्स कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है रिवर वाटर को। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस है वेट पॉइंट सेटलमेंट्स के, समझे। तो ये पहला फैक्टर है जो रूरल सेटलमेंट के लोकेशन को अफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर है लैंड। तो पीपल वहीं पे सेटल होंगे जहाँ पे कैसा लैंड हो, फर्टाइल लैंड हो जो कि सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर होता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए, यूरोप में जो विलेजेस है वो रोलिंग कंट्रीज में लोकेटेड है, अवॉइडिंग द स्वैम्पी लो लाइंग लैंड। रोलिंग कंट्री मतलब सीरीज ऑफ लो हिल्स, ठीक है, आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस टाइप के लैंड को बोलते हैं रोलिंग कंट्री। तो यूरोप में विलेजेस यहाँ पे सेटल होते हैं ताकि यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी इजीली कर पाए। वहीं साउथ ईस्ट एशिया का अगर बात करें तो यहाँ पे लोग लो लाइंग रिवर वैली और कोस्टल प्लेन्स में ज़्यादा सेटल होना प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेट राइस कल्टीवेशन किया जा सकता है काफ़ी इजीली, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना ही है कि लोग कहाँ सेटल होना प्रीफर करते हैं, और साथ साथ ये कुछ एग्जांपल्स है इंटरनेशनल एग्जांपल्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है साउथ ईस्ट एशिया वाला और यूरोप वाला, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं तीसरे फैक्टर पे जो कि है अपलैंड। अपलैंड मतलब ऐसा लैंड जहाँ पे फ्लडिंग ना होता हो, ठीक है। तो लोग यहाँ पे सेटल होना प्रीफर करते हैं ताकि डैमेज टू हाउसेस और लॉस ऑफ लाइफ प्रिवेंट हो जाए। तो इस टाइप के सेटलमेंट को हम लोग बोलते हैं ड्राई पॉइंट सेटलमेंट। और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, ट्रॉपिकल कंट्री मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हो, तो यहाँ पे लोग अपने हाउसेस को कहाँ पे बनाते हैं, स्टील पे बनाते हैं, नियर मार्शी लैंड जहाँ दलदली इलाका है, तो वहाँ पे लोग स्टील का यूज़ करते हैं। स्टील तो आप ये देख पा रहे हैं कुछ पोल्स पे घर को बनाते हैं ताकि घर जो है वो कैची से प्रोटेक्टेड हो, फ्लड से, इंसेक्ट से और एनिमल पेस्ट से बच जाए घर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ का, तो ये एग्जांपल को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये हुआ तीसरा, मूव करते हैं चौथे पे। चौथा है बिल्डिंग मटेरियल। तो लोग वहाँ पे सेटल होना प्रीफर करेंगे जहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि वुड हो गया, स्टोन हो गया, ये सब इजीली अवेलेबल हो। इसका भी एग्जांपल दिया गया है चाइना का जो लोएस एरिया है। लोएस मतलब एक टाइप का पीला चिकना मिट्टी, ठीक है। तो इस एरिया में यहाँ पे केव ड्वेलिंग्स बनाया जाता है, मेनली गुफा टाइप स्ट्रक्चर बनाया जाता है लोग रहने के लिए, ठीक है। फिर अफ्रीका के सवाना में जो बिल्डिंग मटेरियल है वो है मड ब्रिक्स, ये यूज़ करके यहाँ पे घर बनाया जाता है। फिर एस्किमोस जो पोलर रीजन्स में रहते हैं ये लोग आइस ब्लॉक का यूज़ करते हैं ताकि ये लोग इग्लू बना पाए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जिस जिस लोकेशन पे जो जो मटेरियल अवेलेबल है लोग उसी को यूज़ करके अपना घर बनाते हैं। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स याद रखिएगा। चलिए अगला फैक्टर पे मूव करते हैं जो कि है डिफेंस। तो नॉर्मली लोग वहाँ पे भी सेटल होना प्रीफर करते हैं जहाँ पे नेबरिंग ग्रुप या फिर नेबरिंग विलेज से डिफेंस अच्छा खासा अवेलेबल हो। यहाँ पे नाइजीरिया का एग्जांपल दिया गया कि नाइजीरिया में अपस्टैंडिंग इंसेल बग्स। इंसेल बग क्या होता है, एक टाइप का खड़ा, मान लीजिए कोई प्लेन एरिया है और वहाँ पे अचानक से एक खड़ा टाइप का पहाड़ है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसेल बग। आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। तो लोग यहाँ पे इंसेल बग में सेटल होना प्रीफर करते हैं ताकि यहाँ पे अच्छा खासा डिफेंस प्रोवाइड हो सके। फिर इंडिया में भी जितने भी किले बने हैं, फोर्ट्स बने हैं, वो सब हाईर ग्राउंड्स या फिर हिल्स पे ही बने हुए हैं, ठीक है। तो लोग इसको भी देख के सेटल होना प्रीफर करते हैं डिफेंस को देख के। अगला है लास्ट फैक्टर जो कि है प्लांट सेटलमेंट्स। तो कई सारे विलेजेस ऐसे हैं जो पहले से सेटल नहीं हुए हैं, अचानक से लोग वहाँ पे आके सेटल नहीं हुआ है, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को सेटल करवाती है। गवर्नमेंट सबसे पहले वहाँ का प्लानिंग करती है और वहाँ पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके जैसे कि शेल्टर, वाटर और बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये सब पहले ही गवर्नमेंट दे देती है और लोगों को बोलती है वहाँ पे जाकर बस जाओ। तो इस टाइप के सेटलमेंट को बोलते हैं प्लांट सेटलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अलग से इसको डिफाइन करने के लिए आ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लांट रूरल सेटलमेंट्स, तो आपको ये लिखना होगा जितना ग्रीन सेंटर लाइन किया हुआ है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि इथोपिया में स्कीम ऑफ विलेजाइजेशन एंड द कैनल कॉलोनीज इन इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया इन इंडिया आर सम गुड एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे ये सब प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने लोगों को बसाया हुआ है एक प्लांट सेटलमेंट बना के, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बन जाएगा कि एक्सप्लेन एनी फाइव फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये सब फैक्टर्स आपको लिखना होगा। जो जितना ग्रीन अंडरलाइन है वो तो आपको तैयार करना ही है, और साथ साथ जो स्पेसिफिक यहाँ पे एग्जांपल्स है ना, जैसे कि यहाँ पे यूरोप का एग्जांपल है, साउथ ईस्ट एशिया का एग्जांपल है, ट्रॉपिकल कंट्री का एग्जांपल है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, ये सब एग्जांपल है, और डिफेंस है, नाइजीरिया का एग्जांपल है, इंडिया का एग्जांपल है, प्लांट सेटलमेंट का ये तो एग्जांपल है। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लांट रूरल सेटलमेंट, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना होगा। एग्जाम्पल चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन बनता है। अगला टॉपिक है रूरल सेटलमेंट्स पैटर्न्स। मतलब पैटर्न मतलब क्या होता है, ये देखिए, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट रिफ्लेक्ट द वे द हाउसेज आर साइटेड इन रिलेशन टू ईच अदर। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हाउसेज कैसे लोकेटेड है। मान लीजिए एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे, फिर अगला घर मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो घर एक आपस में मिलकर कौन सा पैटर्न बना रहे हैं, इसको बोलते हैं रूरल सेटलमेंट पैटर्न, समझे। तो पैटर्न बहुत सारे हैं, उसको समझने से पहले हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। रूरल सेटलमेंट्स को कई सारे क्राइटेरिया के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके सेटिंग के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। अगर वो प्लेन एरिया में लोकेटेड है तो वो सेटलमेंट कहलाएगा प्लेन विलेज। वैसे ही प्लेटू विलेज होता है, वैसे ही कोस्टल विलेज, फॉरेस्ट विलेज, डेजर्ट विलेज होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अगर क्लासिफाई करना चाहे तो वो हो सकता है फार्मिंग विलेज, फिशरमैन विलेज, लंबर जैक विलेज, लंबर जैक मतलब लकड़हारा, पेस्टोरल विलेजेस एक्सेट्रा। अब हम मूव करते हैं पैटर्न पे, कि ऑन द बेसिस ऑफ अगर फॉर्म या फिर शेप बात किया जाए तब रूरल सेटलमेंट्स का इतने सारे पैटर्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है लीनियर पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट। इस टाइप के सेटलमेंट्स में हाउसेज जो है वो लोकेटेड होते हैं अलोंग अ रोड या फिर रेलवे लाइन या फिर रिवर, कैनल एज ऑफ अ वैली या फिर अलोंग अ लेवी। लेवी क्या होता है? लेवी एक छोटा सा वॉल होता है जो कि रिवर के साइड में बिल्ड किया जाता है ताकि फ्लड्स को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के किनारे अगर हाउसेस बसे हुए हैं तो वो सेटलमेंट कौन सा सेटलमेंट होगा? लीनियर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक रोड है, सीधा रोड गया, और इसके रोड के बगल में यहाँ पे घर है और यहाँ पे घर है, तो ये सेटलमेंट कहलाएगा लीनियर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अगला है रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये सच पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन प्लेन एरियाज और वाइड इंटर माउंटेन वैलीज। इंटर माउंटेन वैली मतलब दो माउंटेन के बीच में जो वैली होता है वो, तो इन सब एरियाज़ पे इस ये सेटलमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि द रोड्स रेक्टेंगुलर होते हैं और कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मान लीजिए यहाँ से कोई एक रोड गया, फिर यहाँ से कोई एक रोड गया, फिर यहाँ से कोई एक रोड गया, फिर यहाँ से कोई एक रोड गया, और इन सब रोड के किनारे क्या है, बहुत सारे घर है, ये सब घर है, ये सब घर है, मान लीजिए बहुत सारा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे ये जो सेटलमेंट है ये कौन सा शेप बना रहा है, ये रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो रोड्स है वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इस टाइप का सेटलमेंट को बोलते हैं रेक्टेंगुलर सेटलमेंट, समझे। अगला है सर्कुलर पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। अगला है सर्कुलर पैटर्न। तो देखिए सर्कुलर विलेजेस डेवलप अराउंड लेक्स एंड टैंक्स एंड सम टाइम द विलेज इज प्लांट इन सच अ वे दैट द सेंट्रल पार्ट रिमेन्स ओपन एंड इज यूज फॉर कीपिंग द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई एक लेक रहेगा या फिर टैंक रहेगा, मान लीजिए ये कोई लेक है और टैंक है, और इसके आसपास कई सारे घर बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, तो इस टाइप का सेटलमेंट कहलाएगा सर्कुलर पैटर्न वाला रूरल सेटलमेंट। या फिर कभी कभी क्या होता है कि विलेज को इस तरीके से प्लान किया जाता है कि जो सेंट्रल पार्ट है उसको खुला छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स को रखा जाता है ताकि वाइल्ड एनिमल्स से वो प्रोटेक्टेड रहे। ये एक सर्कुलर पार्ट है, यहाँ पे एनिमल्स को बांधा जाएगा ताकि ये जंगली जानवर से प्रोटेक्टेड रहे, और यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, घर होंगे, तो ये भी कहलाएगा क्या, सर्कुलर पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, ये रहा, यहाँ पे जो ये सिंबल यूज़ किया गया है, ये सिंबल क्या चीज़ का है, पॉन्ड का है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे घर है, ये कहलाएगा सर्कुलर पैटर्न। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आपसे डायग्राम देंगे और इसका कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अभी देखेंगे कैसे आता है वो क्वेश्चन। चलिए अगले पे मूव करते हैं। अगला है स्टार लाइक पैटर्न। इसमें क्या होता है कि कई सारे रोड एक जगह कन्वर्ज होते हैं और सब मिलकर एक स्टार शेप सेटलमेंट बनाते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये है स्टार लाइक पैटर्न। यहाँ पे कई सारे रोड आ रहे हैं, कई सारे रोड आ रहे हैं और एक जगह आके कन्वर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये सेटलमेंट कहलाएगा स्टार लाइक सेटलमेंट। एक बार क्वेश्चन आया था इसके ऊपर कि नेम द रूरल सेटलमेंट पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड वेयर सेवरल रोड्स कन्वर्ज, ऐसे लिख के बोले थे, आपको क्या लिखना था वहाँ पे, स्टार लाइक पैटर्न, ठीक है। चलिए अगले पे मूव करते हैं। इसमें तीन टाइप का सेटलमेंट को डिस्क्राइब किया गया है, पहला है टी शेप्ड, दूसरा है वाई शेप्ड और तीसरा है क्रॉस शेप्ड या फिर क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट।
एक एक करके सबको समझते हैं। टी शेप सेटलमेंट वहाँ पे डेवलप होता है जहाँ पे ट्राई जंक्शन ऑफ द रोड्स हो, मतलब तीन रोड आके मिले, ये एक रोड, ये एक रोड और ये एक रोड, जब ऐसे मिलते हैं यहाँ पे तो ये टी शेप सेटलमेंट बनाते हैं। और सब रोड के आसपास तो घर होंगे ही, ठीक है, तभी तो सेटलमेंट होगा ना, सिर्फ रोड से तो सेटलमेंट नहीं बन सकता है। चलिए तो ये हो गया टी शेप सेटलमेंट। अगला है वाई शेप सेटलमेंट। इसमें क्या होता है देखिए, वाई शेप सेटलमेंट्स इमर्ज एज द प्लेसेस वेयर टू रोड्स कन्वर्ट्स ऑन द थर्ड वन एंड द हाउसेज आर बिल्ट अलॉन्ग दीज रोड्स। इसमें क्या होता है कि ये एक रोड है मान लीजिए, और इस रोड के यहाँ पे दो रोड आके यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये सेटलमेंट बन जाएगा वाई शेप सेटलमेंट, ठीक है। और तीसरा है क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट, इसको हम लोग क्रॉस शेप सेटलमेंट भी बोलते हैं। ये डेवलप होते हैं ऑन द क्रॉस रोड एंड हाउसेज एक्सटेंड इन ऑल फोर डायरेक्शंस। आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये रहा क्रॉस शेप पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा यहाँ पे क्रॉस शेप पैटर्न दिख रहा है, ये देखिए क्रॉस शेप है और यहाँ पे आसपास क्या है, बहुत सारे घर है, तो ये आपका कहलाएगा क्रॉस शेप पैटर्न या फिर क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट, समझे इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ये है लीनियर पैटर्न सेटलमेंट, एक यहाँ पे रोड गुजरा है और यहाँ पे कई सारे घर है। फिर ये देखिए ये वाई पैटर्न सेटलमेंट है, यहाँ पे वाई शेप बन रहा है, दो रोड आके यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं तीसरे पर। और एक यहाँ पे एक टाइप का सेटलमेंट है जिसको बोलते हैं डबल विलेज। ये सेटलमेंट एक्सटेंड ऑन बोथ साइड ऑफ अ रिवर वेयर देयर इज अ ब्रिज और अ फेरी। मान लीजिए ये कोई एक नदी है, रिवर है, और यहाँ पे एक ब्रिज गुजरा हुआ है, तो इस ब्रिज के दोनों साइड, एक साइड ये और एक साइड ये, यहाँ पे बहुत सारे घर होंगे, यहाँ पे बहुत सारे घर होंगे, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका, ये पूरा चीज़ क्या कहलाया जाएगा, डबल विलेज कहलाएगा। समझ रहे बात का गहराई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस कैसा कैसा बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि एक्सप्लेन एनी फाइव पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स। किसी भी पांच पैटर्न को डिस्क्राइब कीजिए और डायग्राम के साथ, तो ये सब डायग्राम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला है लीनियर पैटर्न, दूसरा है क्रॉस शेप्ड, स्टार लाइक, फिर टी शेप, सर्कुलर शेप और ये है डबल पैटर्न। ये देख रहे हैं एक ब्रिज है यहाँ पे और ब्रिज के दोनों साइड सेटलमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये डबल विलेज कहलाता है। चलिए इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछे जाते हैं, देखिए तो देखिए आपको एक ऐसा डायग्राम दे देंगे और क्वेश्चन पूछेंगे कि आइडेंटिफाई एंड नेम द पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट शोन इन द डायग्राम। तो ये कौन सा पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछेंगे कि एक्सप्लेन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो इसका दो कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि ये लेक्स और टैंक्स के अराउंड डेवलप होते हैं, और दूसरा आप लिखेंगे कि कभी कभी इसमें सेंट्रल पार्ट ओपन रखा जाता है फॉर कीपिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे मूव करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। तो यहाँ पे पांच टाइप के प्रॉब्लम डिस्कस किए गए हैं। पहला है वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरा है टॉयलेट एंड गार्बेज से रिलेटेड प्रॉब्लम, तीसरा है बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम, चौथा है कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, और पांचवा है हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम। चलिए एक करके सबको डिस्कस करते हैं। कई सारे रूरल सेटलमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे सप्लाई ऑफ वाटर क्या है, इनएडिक्वेट है, और गंदा पानी पीने का वजह से वाटर बॉर्न डिजीज जैसे कि कोलेरा, जॉन्डिस, ये सब होते हैं। साउथ एशिया के कई सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे ड्राउट और फ्लड काफ़ी कॉमन है, और इसके अलावा एब्सेंस ऑफ इरीगेशन का वजह से जो कल्टिवेशन है वो भी सफ़र करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम। फिर अगला है टॉयलेट्स और गार्बेज से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इन सब का डिस्पोजल अच्छे से नहीं होता है जिस वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम, देखिए कई सारे ऐसे हाउसेज हैं जो मड, वुड, थैच ये सब से बने होते हैं, और ये सब हाउस काफ़ी कमजोर होते हैं, तो ड्यूरिंग हैवी रेन्स और फ्लड ये सब डैमेज हो जाते हैं, और इसमें प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ता है हर साल, ठीक है। और कई सारे घर ऐसे बने होते हैं जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं होता है, तो ये कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके अलावा कम्युनिकेशन नेटवर्क का यहाँ पर प्रॉब्लम बताया गया है, आप इसको चाहे तो पूरा रीडिंग भी कर सकते हैं, आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं, देखिए अनमेटल रोड्स कच्चे रोड होते हैं, और लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क ये ना होने का वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, खासकर रेनी सीजन में जो सेटलमेंट्स है वो एक दूसरे से कट जाते हैं क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, और ये काफ़ी डिफिकल्टी देता है लोगों को, ठीक है, खासकर से इमरजेंसी सर्विस ये कम्प्लीट नहीं हो पाता है। फिर अगला प्रॉब्लम है हेल्थ और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, देखिए तो ये तो इनएडिक्वेट है ही, हेल्थ ना स्कूल्स है ना हॉस्पिटल्स है, और खासकर से ऐसे प्लेसेस जहाँ पे प्रॉपर विलेजाइजेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है वो काफ़ी सीरियस बन के उभरता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किया गया है जो कि है प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये तो जनरल टॉपिक है, आप चाहे तो खुद से भी बना के लिख सकते हैं।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट का मतलब तो हमने समझ ही लिया, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक ऐसा अर्बन सेटलमेंट के बारे में बताया गया है जो पहला अर्बन सेटलमेंट था जिसने 1 मिलियन पॉपुलेशन को क्रॉस किया, और वो कौन सा था? लंदन था। और कब क्रॉस किया? इन AD 1810। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है आपके पहले भी कि विच अर्बन सेंटर इज़ द फर्स्ट टू रीच 1 मिलियन मार्क एंड वेन। तो आपको लिखना होगा लंदन और बाई अराउंड AD 1810, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रेजेंटली टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 54% पॉपुलेशन अर्बन सेटलमेंट में रहते हैं, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। ये जो डेटा है यहाँ पे कि एज ऑफ 2017 54% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन सेटलमेंट में रहते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, आपसे पूछेंगे कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इन 2017, तो आपको लिखना होगा 54%, ठीक है। तो ये दो बात यहाँ से बनता है। आगे मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट मतलब कोई एक सेटलमेंट है तो इस सेटलमेंट को अर्बन कब बोलेंगे। तो देखिए द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, हमने पहले भी देखा था। अब कई सारे ऐसे क्राइटेरिया है जिसको यूज़ करके हम लोग अर्बन सेटलमेंट में क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी सेटलमेंट को। वो क्राइटेरिया है साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। चलिए करके सबको देखते हैं कि कैसे पॉपुलेशन साइज को देख के हम किसी सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट बोलेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पॉपुलेशन साइज एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कई सारे कंट्री यूज़ करते हैं अपने अर्बन एरिया को डिफाइन करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। अब लोअर लिमिट कई सारे कंट्री में सेट किया गया है। फॉर एग्जांपल कोलंबिया में अगर पॉपुलेशन 1500 है किसी भी सेटलमेंट में वो सेटलमेंट अर्बन कहलाएगा। सिमिलरली ये कट ऑफ अर्जेंटीना और पोर्चुगल में ये कट ऑफ 2000 है, USA और थाईलैंड में ये कट ऑफ 2500 है, इंडिया में ये कट ऑफ 5000 है। हमने पहले भी देखा सेंसस डेफिनेशन ऑफ इंडिया में कि वहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन चाहिए होता था 5000, और जापान में ये कट ऑफ है 30000। इंडिया में पॉपुलेशन के अलावा हम लोग एक और क्राइटेरिया यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। याद है आपको, हमने देखा था उस डेफिनेशन में, सेंसस डेफिनेशन में, कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, मिनिमम 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इतना होना चाहिए। और हमने एक चीज़ और देखा था कि वहाँ पे एटलीस्ट 75% जो वर्कर है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड होने चाहिए। ये इंडिया का स्पेसिफिकली बात किया जा रहा है, ठीक है। और देखिए ऐसे कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन अगर 250 भी हुआ ना तो वो सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट कहा जाएगा। द मिनिमम पॉपुलेशन फॉर अ सिटी इज 300 इन आइसलैंड। आइसलैंड में ये कट ऑफ 300 है। अगर किसी सिटी अर्बन सेटलमेंट का पॉपुलेशन 300 है तो वो सेटलमेंट सिटी कहलाने लगेगा। वैसे ही ये कट ऑफ कनाडा और वेनेजुएला में 1000% का है। तो ये सब सभी डेटा के साथ आपको याद करना है। इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन विथ एग्जांपल द पॉपुलेशन साइज क्राइटेरिया यूज बाई मोस्ट कंट्रीज टू डिफाइन एन अर्बन एरिया, ठीक है। तो आपको ये सब लिखना है, जितना भी अंडरलाइन किया हुआ है वो सब आपको लिखना है। चलिए आगे मूव करते हैं दूसरे क्राइटेरिया पे जो कि है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन को देख के भी हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एरिया अर्बन है या फिर रूरल है। अब इसका भी एग्जांपल है कि इंडिया में, तो देखिए इटली में क्या है कि अगर 50% ऑफ द वर्कर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है तो वो सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट कहलाएगा। और वही कट ऑफ इंडिया में कितना है, 75%। समझ में आ गया, मतलब अगर 75% लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी जैसे कि सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी में एम्प्लॉयड है तो इंडिया में वो सेटलमेंट क्या कहलाएगा, अर्बन सेटलमेंट कहलाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरा क्राइटेरिया है एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ कंट्री है ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को भी एज अ क्राइटेरिया यूज़ करते हैं किसी सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया में ही ये यूज़ किया जाता है। इंडिया में अगर किसी प्लेस में म्यूनसिपल्टी, कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो तो उस प्लेस को अर्बन सेटलमेंट कहा जाएगा। याद है आपको, हमने सेंसस डेफिनेशन में पढ़ा था। और लैटिन अमेरिका कंट्री जैसे कि ब्राज़ील और बोलीविया है, यहाँ पे अगर किसी सेटलमेंट में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो, कोई भी सरकारी ऑफिस हो वहाँ पे, तो वो जो सेटलमेंट है वो कहलाएगा अर्बन सेटलमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन साइज, भले ही पॉपुलेशन साइज कितना भी हो, ठीक है। लेकिन इंडिया में तो और सारे भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, ठीक है, वो फुलफिल करना होता है तभी वो सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट कहलाता है। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है लोकेशन। अर्बन सेटलमेंट कहाँ पे लोकेट होंगे। लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर इज एग्जामिन्ड विद रेफरेंस टू देयर फंक्शन। तो अर्बन सेंटर जिस टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर लोकेटेड होगा। जैसे कि
अगर कोई स्ट्रेटेजिक टाउन, ये एक अर्बन सेटलमेंट है, ये वहीं पे लोकेटेड होगा जहाँ पे नेचुरल डिफेंस हो, ठीक है, कोई हाई हाई लैंड हो या फिर कोई पहाड़ हो, वहीं पे ये लोकेटेड होगा। या फिर कोई अगर माइनिंग टाउन है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, उस प्लेस में वैल्यूएबल मिनरल्स होना चाहिए, तभी वहाँ पे माइनिंग टाउन सेटअप हो पाएगा। सिमिलरली इंडस्ट्रियल टाउन्स के लिए क्या चाहिए, लोकल एनर्जी सप्लाई चाहिए या फिर रॉ मटेरियल चाहिए। टूरिस्ट सेंटर अगर सेटअप होना है तो वहाँ पर एट्रैक्टिव सीनरी होना चाहिए या फिर मरीन बीच होना चाहिए या फिर एक ऐसा स्प्रिंग होना चाहिए जिसमें मेडिसिनल वाटर हो या फिर हिस्टोरिकल रिलिक्स हो। पोर्ट्स, अगर पोर्ट टाउन अगर सेटअप करना है तो वहाँ पे हार्बर का फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो लोकेशन में हम समझ पा रहे हैं कि अर्बन सेंटर या फिर अर्बन सेटलमेंट वहीं पे लोकेटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। उसके फंक्शन को परफॉर्म करने में जो लोकेशन हेल्प करे तो वो अर्बन सेटलमेंट वहीं पे लोकेटेड होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, पहले के ज़माने के जो अर्बन सेटलमेंट हुआ करते थे वो मेनली तीन क्राइटेरिया देखते थे सेटल होने के लिए। पहला तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी होना चाहिए, प्लस बिल्डिंग मटेरियल का अवेलेबिलिटी होना चाहिए और प्लस फर्टाइल लैंड। तो ये तीन मेनली क्राइटेरिया यूज़ किया जाता था अर्बन सेटलमेंट को कहीं सेटल होने के लिए। लेकिन आज ये तीनों क्राइटेरिया तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन अभी क्या हो गया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सेटलमेंट को अलग लोकेट करने में अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ दीज थ्री मटेरियल्स, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पे वाटर भी है, बिल्डिंग मटेरियल भी है और फर्टाइल लैंड भी है, तो सब इंसान तो आके यहाँ पे नहीं रह सकते हैं ना। तो इंसान को कहीं दूर लोकेट करने के लिए, सेटलमेंट को कहीं दूर बसाने के लिए क्या करना होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है, देखिए, अगर उस सेटलमेंट में क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तो हम लोग पाइप के जरिए, पाइप्ड वाटर कैन बी सप्लाई टू अ डिस्टेंट सेटलमेंट, ठीक है, वाटर सप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। अगर बिल्डिंग मटेरियल चाहिए तो बिल्डिंग मटेरियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुँचा सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कई सारे बैरियर को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ही हेल्प से जो अर्बन सेटलमेंट है उसको हम लोग लोकेट कर सकते हैं फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ दीज मटेरियल्स, समझे ये बात। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला यहाँ पे हमें दो टर्म समझना है, एक है साइट और एक है सिचुएशन। समझते हैं साइट और सिचुएशन क्या होता है। साइट का मतलब होता है द साइट ऑफ अ सेटलमेंट डिस्क्राइब्स द फिजिकल नेचर ऑफ वेयर इट इज़ लोकेटेड। किसी भी सेटलमेंट का साइट मतलब उस प्लेस का डिस्क्रिप्शन, मतलब उस प्लेस में वाटर सप्लाई कैसा है, बिल्डिंग मटेरियल, क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, शेल्टर, डिफेंस, ये सब चीज़ जो फीचर है इसको बोला जाता है साइट का फीचर, ठीक है। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो द साइट ऑफ सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया इनिशियली टूक एडवांटेज ऑफ द एक्सलेंट नेचुरल हार्बर एंड सराउंडिंग फर्टाइल फार्मलैंड। ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी का सेटलमेंट है तो वहाँ पे उसने क्या यूज़ किया था, वहाँ का जो नेचुरल हार्बर है उसका बेनिफिट यूज़ किया था, ठीक है, और जो फर्टाइल जो वहाँ पे लैंड था उसका यूज़ किया था ये सेटलमेंट को सेटअप करने के लिए। तो ये जो फीचर्स है नेचुरल हार्बर और वहाँ पे फर्टाइल लैंड होना, ये सब फीचर को क्या बोलते हैं, साइट है वो, सिडनी का साइट, ठीक है। और दूसरा टर्म है सिचुएशन। सिचुएशन क्या होता है, सिचुएशन ऑफ अ सेटलमेंट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटलमेंट इन रिलेशन टू द अदर सेटलमेंट्स एंड फिजिकल फीचर्स अराउंड इट। मतलब किसी आप सेटलमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बाकी अदर सेटलमेंट्स, जैसे कि द सिचुएशन ऑफ अ सेटलमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग वेदर इट ग्रोज टू बिकम अ लार्ज सिटी और स्टेज एज अ स्मॉल टाउन और विलेज। कोई भी सेटलमेंट आगे चल के एक बड़ा सिटी में कन्वर्ट होगा या फिर एक छोटा टाउन या फिर विलेज ही रह जाएगा, ये डिपेंड करता है उस सेटलमेंट के सिचुएशन पे, समझ रहे बात कह रही। तो सिचुएशन ही ऐसा चीज़ है जो डिटरमाइन करता है कि वो सेटलमेंट ग्रो होगा या फिर वैसा ही रह जाएगा। इसको एग्जांपल से समझिए कि यूके में ब्रीमिंगम बोल के एक सिटी है, ठीक है, उसका बहुत ही अच्छा सिचुएशन है क्योंकि वो एकदम कंट्री के बीचों बीच लोकेटेड है और एक्सीलेंट लिंक है बाय रोड टू द नॉर्थ एंड साउथ टू लंडन। मतलब ये मान लीजिए अगर यूके है, ठीक है, तो बीच में एकदम ब्रीमिंगम लोकेटेड है और एकदम नॉर्थ की तरफ भी अच्छा रोड से कनेक्शन है, साउथ की तरफ भी रोड से अच्छा कनेक्शन है और साउथ में लंदन भी है, तो काफ़ी अच्छे से कनेक्टिविटी है। तो बोलते हैं कि ये ब्रीमिंगम का सिचुएशन बहुत ही अच्छा है, समझ रहे बात का गहराई। तो ये जो पूरा नोट्स है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये है साइट का और ये है सिचुएशन का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर। तो पहले के जो टाउन्स हुआ करते थे उनका फंक्शन होता था एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री, डिफेंस एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस, ये सब मेनली फंक्शन परफॉर्म करते थे। लेकिन आज कई सारे नए फंक्शन भी ये सब सिटी परफॉर्म करने लगे हैं। लेकिन भले ही कितना भी नए फंक्शन परफॉर्म करते हो, जो मेन फंक्शन है वो वही रहा है किसी भी सिटी का, ठीक है, जो वो पहले परफॉर्म करता था।
तो देखिए यहाँ पे अब क्या है, टाउन्स एंड सिटीज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फंक्शन के आधार पर टाउन्स एंड सिटीज़ को इन सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेनली यहाँ पे कौन से आएंगे, नेशनल कैपिटल्स, जो कंट्री का कैपिटल है वो आएगा, जहाँ पे क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस होते हैं ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल हो गया न्यू दिल्ली, कैनबेरा, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, ठीक है, बीजिंग, अदिस अबाबा, अदिस अबाबा ये है आपका इथोपिया का कैपिटल, फिर वाशिंगटन डीसी, लंदन, तो ये सब क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स है। अब हमने देखा कि नेशनल कैपिटल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होते हैं, लेकिन नेशनल कैपिटल के अलावा जो प्रोविंशियल टाउन्स होते हैं सब नेशनल, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में चेन्नई हो गया, विक्टोरिया, अल्बानी, ठीक है, ये सब ऐसे टाउन्स है जो नेशनल कैपिटल नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करने का वजह से ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स है, समझे इतना। दूसरा है ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स। नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स। यहाँ पे एग्रीकल्चरल मार्केट टाउन्स जैसे कि विनीपिक एंड कंसास सिटी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेंटर जैसे कि फ्रैंकफर्ट एंड एम्स्टरडम, फिर लार्ज इनलैंड सेंटर जैसे कि मैनचेस्टर एंड सेंट लुइस, एंड ट्रांसपोर्ट नोड्स जैसे कि लाहौर, बगदाद, आगरा, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये पूरा रट्टा मार लेना है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं समझने को। चलिए तीसरे कैटेगरी पे मूव करते हैं जो कि है कल्चरल टाउन्स। इसमें मेनली जो पिलग्रिमेज के प्लेसेस है वो सब आते हैं, ऐसे प्लेसेस जो ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखते हो वो सब प्लेसेस इसमें आते हैं, जैसे कि जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी, वाराणसी एट्सेट्रा, ये सब कल्चरल टाउन्स है। अब देखिए कल्चरल टाउन्स, ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, इनके अलावा सिटीज़ या फिर टाउन्स और भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हेल्थ और रिक्रिएशन के लिए मियामी एंड पनाजी फेमस है, इंडस्ट्रियल फंक्शन के लिए पिट्सबर्ग और जमशेदपुर फेमस है, माइनिंग एंड कोरिंग के लिए ब्रोकन हिल एंड धनबाद फेमस है, और ट्रांसपोर्ट के लिए सिंगापुर एंड मुगलसराय फेमस है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने को है नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा ये सब का नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा टाउन्स है जो ये सब फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनते रहता है, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। चलिए डू यू नो पे मूव करते हैं। डू यू नो पे पहला पॉइंट है अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन या फिर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हु लिव इन अर्बन एरिया। अगर कोई अर्बन एरिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं अर्बनाइजेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अर्बनाइजेशन होता क्यों है। तो अर्बनाइजेशन होने का एक इंपॉर्टेंट रीज़न है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रीज़न है अर्बनाइजेशन का। फिर यहाँ से आपको नहीं पढ़ना है ड्यूरिंग से लेकर सिटीज़ तक। तीसरे पॉइंट में मूव करते हैं, डेवलप कंट्री में अर्बनाइजेशन हुआ था आपका ड्यूरिंग 19th century, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में अर्बनाइजेशन हुआ, मतलब रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ इन द सेकेंड हाफ ऑफ 20th century, मतलब 1950 के बाद से, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। तो कई सारे हम लोग क्लासिफिकेशन ही पढ़े जा रहे हैं तब से। इससे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ये था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन देखने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, कुछ डिफरेंस बताया गया है। डेवलप्ड कंट्री के टाउन्स और सिटीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के टाउन्स और सिटीज़ में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, देखिए जो डेवलप कंट्री के टाउन्स एंड सिटीज़ है ना वो प्लान्ड होते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के टाउन्स एंड सिटीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, हिस्टोरिकली इवॉल्व्ड होते हैं विथ इररेगुलर शेप, ये थोड़ा अनप्लान्ड होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमें दो सिटीज़ के बारे में पढ़ना है, पहला है एडिस अबाबा और दूसरा है कैनबेरा, बाद में देखेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं एडिस अबाबा। एडिस अबाबा क्या है, अभी हमने बताया था ये इथोपिया का कैपिटल है, इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। और एडिस अबाबा ये वर्ड का मतलब क्या है, एडिस का मतलब न्यू और अबाबा का मतलब फ्लावर, न्यू फ्लावर, ठीक है। ये इसको इस्टेब्लिश किया था, गया था 1878 में, समझे। तो तीन बात यहाँ पे हो गया, इसका मीनिंग क्या होता है, ये किसका कैपिटल है, कब इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब चलिए इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये पूरा सिटी कहाँ लोकेटेड है, हिल वैली पे लोकेटेड है, ठीक है, पहाड़ी एरिया पे लोकेटेड है। और यहाँ का जो रोड का पैटर्न है वो देख के समझ में आता है कि यहाँ का जो टोपोग्राफी है, मतलब जिस टाइप का लैंड है उसका इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पे रोड में देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स है, जैसे कि प्याजा, अरथ और अमिस्ट किलो। तो यहाँ के जो राउंड अबाउट है ना, राउंड अबाउट क्या होता है, आपकी पिक्चर में देख पा रहे हैं ऐसा सर्कुलर रोड को राउंड अबाउट बोलते हैं। तो यहाँ से रोड्स रेडिएट होते हैं, रोड्स निकलते हैं, ठीक है, ये पहला पॉइंट है।
मर्केटो हैज़ मार्केट्स विच ग्रो विद टाइम एंड इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट मार्केट बिटवीन कैरो एंड जोहान्सबर्ग। तो ये दो बड़े बड़े सिटीज़ के बीच में जो मर्केटो है, मर्केटो कहाँ पे लोकेटेड है, अडिस अबाबा में। तो ये काफ़ी बड़ा एक मार्केट है जो वक्त के साथ साथ काफ़ी ग्रो किया है, लार्जेस्ट मार्केट है इन दोनों मार्केट के बीच में। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कई सारे मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी है और मेडिकल कॉलेज है। नंबर ऑफ गुड स्कूल्स मेक अडिस अबाबा एंड एजुकेशनल सेंटर। तो एजुकेशनल सेंटर भी ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ है। और फिर यहाँ पे एक टर्मिनल स्टेशन है जो कि जिबोटी और अडिस अबाबा रेल रूट में पड़ता है। ठीक है, फिर एक यहाँ पे एयरपोर्ट है जिसको बोलते हैं बोल एयरपोर्ट। और द सिटी हैज़ विटनेस्ड रैपिड ग्रोथ बिकॉज ऑफ इट्स मल्टी फंक्शनल नेचर। ये सिटी में इतना रैपिड ग्रोथ क्यों हुआ है, क्योंकि ये मल्टी फंक्शनल काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट हेडक्वार्टर भी है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में परफॉर्म कर रहा है। फिर यहाँ पे मार्केट सेंटर भी है, प्लस यहाँ पे एजुकेशनल सेंटर बन के भी उभरा है ये। फिर ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये फेमस है, फिर एयरपोर्ट भी है यहाँ पे। तो इतना सारा मल्टी फंक्शनल नेचर होने का वजह से इसका रैपिड ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट नोट आ सकता है एडिस अबाबा के ऊपर लिखने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये इथोपिया का कैपिटल है, इसका मीनिंग बताएंगे, न्यू फ्लावर होता है और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1878 में। ये हिल वैली टोपोग्राफी के ऊपर लोकेटेड है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स है ये 3 ठो, और यहाँ से रोड रेडिएट होते हैं। फिर एक मार्केट है मर्केटो, लार्जेस्ट मार्केट है कैरो और जोहान्सबर्ग के बीच में। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एजुकेशनल सेंटर है, कई सारे यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है और नंबर ऑफ गुड स्कूल्स है। ठीक है, टर्मिनल स्टेशन है, फिर एक बोल एयरपोर्ट है और ये मल्टी फंक्शनल नेचर का वजह से काफ़ी रैपिड ग्रोथ एक्सपीरियंस किया है। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ऐसे करके एक दूसरा सिटी है जो कि है कैनबेरा। कैनबेरा क्या है, ये प्लांड कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का, और इसका प्लानिंग किसने किया था, वॉल्टर बर्डली ग्रिफिन ने किया था 1912 में। इन्होंने सोचा था कि वे इस सिटी को एक गार्डन सिटी बनाएंगे। गार्डन सिटी ऐसा सिटी होता है जिसमें काफ़ी ग्रीनरी हो। ठीक है, और इन्होंने सोचा था कि यहाँ पे कितना पॉपुलेशन रहेंगे, 25,000 पॉपुलेशन के लिए एक अच्छा गार्डन सिटी बनाएंगे। इस तरीके से इसको प्लान किया गया था। देयर वर टू बी 5 मेन सेंटर्स ईच विथ सेपरेट सिटी फंक्शन। 5 सेंटर होंगे जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेट्स द सिटी हैज़ एक्सपेंडेड टू एकोमोडेट सेवरल सेटेलाइट टाउन्स विच हैव देयर ओन सेंटर्स। और पिछले कुछ डिकेट्स में ये सिटी एक्सपैंड कर चुका है, और जितने भी आसपास के सैटेलाइट टाउन थे, सैटेलाइट टाउन आपको पता है, ये अगर मेन कैनबेरा है तो इसके आसपास के जो सैटेलाइट टाउन थे, ठीक है, इसको भी अपने अंडर ये ले चुका है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, 2 टाउन के बारे में हमने पढ़ा, एक है अदीस अबाबा और दूसरा है कैनबेरा, अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पर जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के टाउन्स और सिटीज़ में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक और टाइप का क्लासिफिकेशन है, लेकिन इस बार क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सर्विसेज एंड फंक्शंस। अब आप भी सोच रहे होंगे कितना सारा क्लासिफिकेशन है, लेकिन थोड़ा देर ध्यान रखिएगा, अभी एक बार रिकैप करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन साइज बताया जा रहा है, और सर्विसेज और फंक्शन, ये तीनों के बेसिस पे जो अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे अब। तो देखिए, इन तीनों के अकॉर्डिंग अर्बन सेंटर को इन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है टाउन, दूसरा है सिटी, तीसरा है मिलियन सिटी, चौथा है कॉन अर्बनेशन और पांचवा है मेगालोपोलिस। ठीक है, सबसे पहले टाउन को स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन का अगर बात करें तो इसका पॉपुलेशन कम से कम 5,000 होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ टाउन को अच्छे से समझने के लिए आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए विलेज। मतलब टाउन एक ऐसा विलेज है जिसका पॉपुलेशन 5,000 से ज़्यादा हो, और कुछ फंक्शन में भी डिफरेंस है टाउन्स और विलेजेस में, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि टाउन्स और विलेज को एग्जैक्टली नहीं डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सब ऐसे फंक्शन है जो टाउन में ही एग्जिस्ट करते हैं, विलेज में थोड़ा कम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इतना बात आप याद रखिएगा टाउन से रिलेटेड। अगला है सिटी। सिटी का पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख होना चाहिए। ठीक है, सिटी एक ऐसा टाउन है जो लीडिंग हो, मतलब मान लीजिए ये कई सारे टाउन्स हैं, यहाँ पे कई सारे टाउन्स हैं, तो इन सब टाउन में से ऐसा टाउन जो इन सब से अच्छा ग्रो कर गया, मान लीजिए ये वाला, ठीक है, तो यही टाउन क्या कहलाने लगेगा, अब सिटी कहलाने लगेगा। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है कि अ सिटी में बी रिगार्डेड एज अ लीडिंग टाउन विच हैज़ आउटस्ट्रिप्ड इट्स लोकल और रीजनल राइवल्स। ठीक है, बाकी सब टाउन को छोड़ के ये ज़्यादा ग्रो कर गया, वो लिखा हुआ है। सिटीज़ आर मच लार्जर देन टाउन्स एंड हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस। साइज़ में भी बड़े होते हैं और ज़्यादा फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। क्या क्या फंक्शन है यहाँ पे देखिए, दे टेंड टू हैव ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशंस, ये सब होंगे।
फिर मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, ये सब होते हैं बैंक वगैरह और सरकारी ऑफिसेस। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन, अगर इसका सिटी कोई भी सिटी का पॉपुलेशन अगर 1 मिलियन क्रॉस करता है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो वो सिटी कहलाने लगेगा मिलियन सिटी। समझ रहे बात वगैरह, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए तीसरे में मूव करते हैं, जो कि है कॉनर्बेशन। कॉनर्बेशन ये टर्म दिया था पैट्रिक गेडिस ने इन 1915। तो सिर्फ नाम याद रखिएगा, ये ईयर नहीं याद रखना है। ये ऐसे एरिया को बोलते हैं जो मर्जिंग ऑफ सेपरेट टाउन्स और सिटीज़, दो टाउन या फिर दो से ज़्यादा या फिर सिटीज़ को मिला के जो एरिया बनता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनर्बेशन बोलते हैं। इससे एग्जाम्पल हो गए ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, ये सब इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स हो गए। और इंडिया में अगर कॉनर्बेशन का एग्जाम्पल बोला जाए तो वो हो जाएगा हैदराबाद एंड कोचीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ कॉनर्बेशन इन इंडिया, तो आपको लिखना होगा हैदराबाद एंड कोचीन। और वर्ल्ड के पूछे तो आप ये सब भी लिख सकते हैं। चौथा है मिलियन सिटी। मिलियन सिटी मतलब ऐसा सिटी जिसका पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन हो, ठीक है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा हो पॉपुलेशन। तो लंदन एक ऐसा फर्स्ट सिटी था जिसने 1 मिलियन मार्क क्रॉस किया, और वो भी कब, 1810 में। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ पे 1800 लिखा हुआ है, लेकिन आप 1810 याद करके चलिएगा। और देखिए एज पर 2016 अभी 512 सिटीज़ ऐसे हैं जो 1 मिलियन मार्क को क्रॉस कर चुके हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ मेनी मिलियन सिटीज़ आर देयर इन द वर्ल्ड, तो आपको लिखना होगा 512, ठीक है। और बाई 2030 ये एक्सपेक्टेड है कि तब मिलियन सिटीज़ कितने हो जाएंगे, 662 हो जाएंगे। चलिए अब नंबर 5 पे आते हैं, मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस को हम लोग मेगा सिटी भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है ग्रेट सिटी। ये सिग्निफाई करता है सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्सटेंडिंग एज अ यूनियन ऑफ कॉनर्वेशंस। तो कुछ कॉनर्वेशंस को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मेगालोपोलिस या फिर मेगा सिटी बन जाएगा। और कॉनर्वेशन का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा था कि कुछ टाउन्स या फिर सिटीज़ को मिला देंगे तो वो कॉनर्वेशन कहलाएगा। तो देखिए द अर्बन लैंडस्केप स्ट्रेचिंग फ्रॉम बोस्टन इन द नॉर्थ टू साउथ ऑफ वॉशिंगटन इन USA इज़ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ मेगालोपोलिस। तो मेगालोपोलिस का बेस्ट एग्जाम्पल है जो अर्बन लैंडस्केप है बिटवीन बोस्टन और वाशिंगटन, इन दोनों के बीच में जितना भी ज़मीन आता है USA में, तो वो ज़मीन क्या कहलाता है, मेगालोपोलिस कहलाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटी, मेगा सिटी मतलब मेगालोपोलिस ही है यहाँ पे। तो देखिए अच्छा यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं बताया, यहाँ पे पॉपुलेशन कितना होता है, पॉपुलेशन होता है मोर देन 10 मिलियन या फिर 1 करोड़, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। ठीक है, अ मेगा सिटी और मेगालोपोलिस इज अ जनरल टर्म फॉर सिटीज टुगेदर विद देयर सबर्ब्स विथ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन पीपल। तो मेगा सिटीज़ को हम लोग ऐसे जनरल टर्म यूज़ करते हैं, ऐसे सिटीज़ और उसके सबर्ब्स के साथ, ठीक है, जिसका पॉपुलेशन मोर देन 10 मिलियन हो या फिर मोर देन 1 करोड़ हो, तो वो सिटी का क्या कहलाएगा, मेगा सिटी कहलाएगा या फिर मेगालोपोलिस कहलाएगा। ठीक है, चलिए न्यूयॉर्क फर्स्ट ऐसा सिटी था जो जो मेगा सिटी बना 1950 में। तो ये याद रखिएगा, पहला मिलियन सिटी कौन बना था, तो आपको याद रखना है लंदन। और पहला मेगा सिटी कौन सा बना था, न्यूयॉर्क 1950 में। ठीक है, और नंबर ऑफ मेगा सिटी कितने हैं अभी, 31 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि हाउ मेनी मेगा सिटीज़ आर देयर इन द वर्ल्ड, तो आपको लिखना होगा 31। और नंबर ऑफ मिलियन सिटी भी आप याद रखिएगा, ये कितना है, 512। अब यहाँ पे कुछ मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड का लिस्ट दिया गया है, टोटल है कितना, 31। तो ये 31 का 31 सिटीज़ जो है आपको याद करना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ये मोस्टली जो मैप वर्क है उसमें पूछा जाएगा, एक आपको वर्ल्ड मैप दे देंगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे अफ्रीका है, और यहाँ पे मार्क करके यहाँ पे ए या फिर बी सी कुछ लिखा रहेगा, और ए में हिंट देंगे नीचे में कि ये मेगा सिटी ऑफ अफ्रीका, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, तो आपको पहचानना होगा। तो आपको ये लिस्ट याद रखना है, ये लिस्ट जैसे कि जापान का मेगा सिटी है टोक्यो, इंडिया का मेगा सिटी दिल्ली, और भी बहुत सारा है यहाँ पे लिखा हुआ है, चाइना का मेगा सिटी शंघाई, इंडिया का देखिए और एक और लिखा हुआ है मुंबई। तो ये सब आपको याद रखना है, टोटल 31 का 31, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप वर्क में भी पूछ सकते हैं, और या फिर एक मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नेम द मेगा सिटी ऑफ फिलीपींस, आपको बोल देंगे मान लीजिए, तो आपको यहाँ से देखना होगा कि कौन सा फिलीपींस का है। तो इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 100% मार्क के चलिए कि ये एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, हर साल आता है। ठीक है, और इस चैप्टर में मैप वर्क के लिए भी आपको सिर्फ इतना ही सिटीज़ तैयार करना है, ठीक है, ये 31 सिटीज़ आपको क्या करना है, गूगल में या फिर गूगल मैप में ये टोक्यो लिखिएगा, वो आपको इसका एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। ठीक है, तो आपको एक ब्लैंक वर्ल्ड मैप लेना है, और उसमें उस लोकेशन को मार्क करके लिख लेना है टोक्यो। ठीक है, ऐसे करके सबका 31 का 31 सिटीज़
आप उस वर्ल्ड मैप में मार्क करके रख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम में इजीली आप रिवाइज़ कर पाए। ठीक है, ऐसे आप तैयार कर लीजिए। चलिए अगला टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्री। तो ये तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के क्या क्या प्रॉब्लम है, वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया। तो यहाँ पे देखिए, पॉपुलेशन का अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है, कंजस्टेड हाउसिंग है, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ये सब प्रॉब्लम तो आपको अच्छे से पता ही है, आप बना के लिख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, ये सब आप लिख सकते हैं। अगला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। तो देखिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो सिटीज़ है वो क्या है, अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड का वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंजेशन हो गया है, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग हो चुका है, वर्टिकल एक्सपेंशन। अब देखिए, सिटी ग्रो करता है दो तरीके से, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। अगर कोई सिटी हॉरिजेंटली एक्सपेंड कर रहा है मतलब लैंड अपने अंदर लेते जा रहा है, और अगर कोई सिटी वर्टिकली एक्सपेंड कर रहा है मतलब वहाँ पर लंबे लंबे बिल्डिंग्स बनते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सपेंशन। तो ये देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ ग्रोथ ऑफ स्लम्स, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन चुका है मॉडर्न सिटीज़ का ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा एशिया और पैसिफिक कंट्रीज़ में अराउंड 60% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो झुग्गी झुपड़ी में रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बात करें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो देखिए अक्सर लोग एम्प्लॉयमेंट का खोज में रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करते हैं, और ये लोग मेनली क्या होते हैं, अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड होते हैं। तो अर्बन एरिया में पहले से ही तो ऐसे वर्कर बहुत सारे हैं, अब रूरल एरिया से ये लोग और आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इनका सैचुरेशन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का। फिर अगर सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम का बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल होता है सिटीज़ में, वो जो अर्बन पुअर है वो उसको एसेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उतना पैसा नहीं होता उनके पास, और यहाँ पे लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन टेंड टू एग्रावेट द क्राइम रेट्स। लोगों के पास रोजगार नहीं है तो लोग क्या करते हैं, क्राइम करते हैं, एजुकेशन नहीं है तो लोग क्राइम करते हैं। ठीक है, और मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन टू अर्बन एरिया डिस्टॉर्ट द सेक्स रेशियो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हा? कि अक्सर क्या होता है कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ यूजुअली सिर्फ मेल माइग्रेट करते हैं ज़्यादातर, तो उस वजह से अर्बन एरिया में मेल का नंबर बढ़ते जा रहा है, इस वजह से सेक्स रेशियो बिगड़ते जा रहा है सिटीज़ में। ठीक है, फिर है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो इसका तो भरमार है। तो देखिए, यहाँ पे जो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर और वेस्ट मटेरियल है ये डिस्पोज किया जाता है तो प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं है। फिर मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, मतलब ड्रिंकेबल वाटर अवेलेबल नहीं है, वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ का भी शॉर्टेज है, इम्प्रॉपर सीवरेज सिस्टम से अनहेल्दी कंडीशन पैदा हो रहा है, फिर मैसिव यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल होता है डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सब यूज़ किया जाता है, और फिर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर आइदर लेट आउट इनटू जनरल सीवरेज और डम्प्ड विदाउट ट्रीटमेंट एट अनस्पेसिफाइड लोकेशंस। तो सीवेज हो गया और आपका डम्प्ड वेस्ट मटेरियल हो गया, ये सबको बिना ट्रीटमेंट के नदी में छोड़ दिया जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया प्रॉब्लम्स। इसको अगर और अच्छे तरीके से लिखे तो ये देखिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स बताया गया है, पॉइंट में लिखा हुआ है और ब्रैकेट में कुछ हिंट दिया हुआ है, उसको आप खुद से एक्सपेंड कर सकते हैं। पहला है प्रॉब्लम ऑफ स्पेस एंड स्कैर्सिटी ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, रहने के लिए स्पेस कम है, यहाँ पे घर भी कम है, तो ब्रैकेट में कुछ हिंट दिया हुआ है कि स्पेस नॉट इजिली अवेलेबल, हाई प्राइस ऑफ लैंड एंड हाई रेंट लीड्स टू अनवांटेड ग्रोथ ऑफ स्लम्स। समझ में आ गया, इसको आप थोड़ा सेंटेंस फ्रेम करके लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर टू, इनएडिक्वेसी ऑफ सोशल एमिनिटीज़, जैसे कि लैक ऑफ हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, वेस्ट डिस्पोजल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ का कमी है। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, तो इनॉर्मस माइग्रेंट पॉपुलेशन जनरेट्स अ पूल ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स। ज़्यादा माइग्रेशन होने की वजह से जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स है उनका नंबर बढ़ते जा रहा है सिटीज़ में या फिर अर्बन सेटलमेंट्स में। नंबर फोर, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक्स एंड ट्रैफिक कंजेशंस, ठीक है, और रोड्स आर नैरो, नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स इंक्रीजिंग। नंबर फाइव, एनर्जी क्राइसिस, इंक्रीजिंग पावर डिमांड, इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ एनर्जी। और फिर नंबर सिक्स, इनएडुकेसी ऑफ वाटर सप्लाई। नंबर सेवन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। नंबर एट, इंक्रीज इन क्राइम्स। तो ये सब कुछ पॉइंट है, आप इसको बना के लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जनरल हिंट है, बाकी आपके दिमाग में भी कुछ आए तो आप लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे बॉक्स में कुछ दो बात लिखा हुआ है कि व्हाट इज अ हेल्दी सिटी। WHO ने हेल्दी सिटी को डिफाइन किया है, हेल्दी सिटी किसे कहते हैं, तो ऐसा सिटी जो ये चार कंडीशन को फुलफिल करे वो हेल्दी सिटी कहलाएगा। पहला, उसमें क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए। दूसरा, लोगों का बेसिक नीड पूरा होना चाहिए। और तीसरा, यहाँ पे कम्युनिटी इन्वॉल्व हो लोकल गवर्नमेंट में, मतलब डेमोक्रेसी अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। और
प्रोवाइड्स इजिली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस भी अच्छा होना चाहिए, तो ऐसी सिटी को बोल देंगे हेल्थी सिटी अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। फिर एक यहाँ पे UNDP ने एक अर्बन स्ट्रेटजी दिया है कि अर्बन एरिया को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। देखिए पहला है इंक्रीजिंग शेल्टर फॉर अर्बन पुअर, शेल्टर का फैसिलिटी इंक्रीज करो। दूसरा प्रोवाइड बेसिक अर्बन सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये सब चीज़ प्रोवाइड होना चाहिए। और फिर इम्प्रूविंग वुमेंस एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट फैसिलिटी। फिर अगला है अपग्रेडिंग एनर्जी यूज एंड अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। तो ये सब स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए बोलता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सब बस आपको दिमाग में रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट डेवलप अलॉन्ग आइदर साइड ऑफ रोड, रिवर और कैनल्स। तो रोड के दोनों साइड में कौन सा टाइप का सेटलमेंट होता है, ये तो लीनियर सेटलमेंट है ये, ठीक है। नंबर टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डोमिनेट्स इन ऑल रूरल सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट में कौन सा एक्टिविटी होता है, मेनली आपका होता है प्राइमरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ द ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट फाउंड। तो सबसे पुराना अर्बन सेटलमेंट कौन सा है, तो ये चैप्टर में हमने नहीं पढ़ा लेकिन आप याद रखिएगा, ये इंडस वैली होता है, ठीक है। फिर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया हैव अटेंड द मिलियन स्टेटस एट द बिगनिंग ऑफ 2006। तो ये भी चैप्टर में नहीं बताया गया था, इसका नंबर है 40, इसको आप छोड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, सफिशेंसी ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन हेल्प टू क्रिएट एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कौन सा रिसोर्सेज चाहिए होगा, तो यहाँ पे मेनली आप लिख सकते हैं नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो बस यही है फिर ये चैप्टर, उम्मीद करते हैं आपको पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा और काफ़ी बड़ा है, तो एक बार जल्दी से रिकैप भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको इजी हो रिवाइज करने में। देखिए सबसे पहले हमने समझा कि ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या है और ह्यूमन सेटलमेंट को पढ़ना क्यों जरूरी है ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है, ये दो बात। फिर यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट का एग्जांपल, फिर आगे हमने देखा रूरल अर्बन डिकोटॉमी, रूरल सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट किसको बोलते हैं वो हमने देखा, सब अर्बनाइजेशन का दो कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आप देखिए यहाँ पे हमने देखा सेंसस डेफिनेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। फिर ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप दो टाइप का सेटलमेंट है पूरे वर्ल्ड का, एक है न्यूक्लिएटेड और दूसरा है डिस्पर्स्ड, न्यूक्लिएटेड को कॉम्पैक्ट भी बोलते हैं। फिर हमने देखा कि सेटलमेंट को और भी एक तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं रूरल अर्बन में, इसका होता क्या है, इसका डिफरेंस क्या है वो हमने देखा। फिर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, ये रहा कई सारे फैक्टर्स है विद एग्जाम्पल्स, ये आपको तैयार करना है। फिर प्लांट सेटलमेंट के बारे में हमने देखा। फिर टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कई सारे क्राइटेरिया से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म या फिर शेप, कई सारे पैटर्न है इसका वो हमने देखा। फिर आ गए प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स पे, इतना करके रूरल सेटलमेंट खत्म हुआ। फिर अर्बन सेटलमेंट में हमने कुछ पॉइंट्स देखा कि पहला मिलियन सिटी, फिर प्रेजेंट अर्बन पॉपुलेशन कितना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स तीन क्राइटेरिया से क्लासिफाई कर सकते हैं, फिर लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड होगा, फिर साइट और सिचुएशन में डिफरेंस हमने देखा, फिर फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हमने देखा, तीन टाइप के टाउन्स में क्लासिफाई किया जाता है। फिर यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमने देखा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स दो टाइप के यहाँ पे सिटीज़ हमने देखा, एक है अडिस अबाबा और दूसरा था कैनबेरा। और फिर यहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के टाउन्स और सिटीज़ में डिफरेंस। फिर यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सर्विसेज और फंक्शंस, इन तीन बेसिस पे अर्बन सेंटर को इन पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पांचों का अच्छे से फीचर और एग्जांपल याद रखिएगा। फिर है यहाँ पे मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है, 31 का 31 याद करना है। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़, यहाँ पे हमने डिटेल में देखा और फिर कुछ पॉइंट्स में भी हमने आपको बताया, ठीक है। तो इतना आप तैयार कर लीजिए, ये पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा और इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम है, इतना तैयार कर लेंगे तो काफ़ी होगा, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं वीडियो को, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।